इबोरचेम बांध गोवा की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह एक हॉन्टेड रोड है जो घने जंगल के बीच है। यहाँ दिन के उजाले में भी डर लगता है। अफवाह है कि अगर आप दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच सड़क पर चलते हैं, तो एक बुरी आत्मा आपको अपने वश में कर सकती है। कहा जाता है कि इस बांध के पास कई आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें और चीखें सुनी हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने कई आत्माओं को यहाँ भटकते हुए देखा भी है। गोवा का जंगली पहाड़ी घाटी सबसे डरावनी जगह, जहाँ दिन में भी जाने पर कांप उठते हैं। चारों ओर भूतों का ही बसेरा रहता है। गोवा अपनी नाइट लाइफ, बीच पार्टीज और वाटर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। वहां पहुंचकर आपको लगता है कि बस जिंदगी का असली मजा यही है। लेकिन क्या आपको गोवा की सबसे डरावनी जगहों के बारे में पता है, जहां दिन में जाने पर लोग कांप उठते हैं? ऐसा कहा जाता है कि यहां चारों ओर भूत ही भूत नजर आते हैं। रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी आत्माएं यहां भटकती हैं। गोवा लोग एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, क्योंकि इनके बारे में कहानियां इतनी डराने वाली हैं कि कोई भी पहली बार सुनेगा को कांप जाएगा। फिर भी अगर आपको डर नहीं लगता तो यहां जाकर आप रोमांच का मजा ले सकते। डी मेलो हाउस सेंटीमेलो में स्थित है। इसका इतिहास खूनी है। ऐसा कहा जाता है कि दो भाई थे और दोनों चाहते थे कि घर उसका हो जाए। एक दिन दोनों में खूनी जंग हुई और एक भाई ने दूसरे को मार डाला। तब से इस घर में कई अप्राकृतिक घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का दावा है कि डी मेलो हाउस के पास बार बार दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। बोरिंग ब्रिज पर कई बार भूत देखे जाने का दावा किया गया। कहा जाता है कि एक महिला ने पुल पर गाड़ी चलाते समय नदी में छलांग लगा दी थी। कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए अपने वाहन रोके और लौटे तो महिला को अपनी कार की पिछली सीट पर बैठा पाया। यही वजह है कि रात में कोई भी इस पुल के पास से नहीं गुजरता। यह भी कहा जाता है कि जिसने भी यहां भूत देखने का दावा किया वह कुछ ही मिनट बाद बीमार हो गया। श्री किंग्स चर्च कैजुअलिम गांव में स्थित है और कहा जाता है कि यहां पर एक आत्मा भटकती है। कथाओं के अनुसार इस चर्च में एक राजा ने 2 राजाओं की हत्या कर दी थी क्योंकि वह पूरे इलाके पर अपना कब्जा चाहता था। बाद में जब पब्लिक का गुस्सा देखा तो खुद भी जहर खा लिया। तब से 3 राजाओं की आत्मा यहां भटकती है। टूरिस्ट कई बार चर्च के आसपास अजीब शोर और चिल्लाने की आवाजें सुन चुके हैं। यहां दोपहर के बाद कोई नहीं जाता। सलियाओ गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां क्रिस्टालिना नाम की महिला का भूत रहता है। एक चर्च के बिशप ने गांव पार करते हुए इसे देखा था और तुरंत बेहोश हो गया था। अगले दिन जब वह जागा तो क्रिस्टालिना के भूत के बारे में बताया। करीब 50 साल पहले यह घटना हुई थी और आज भी लोग यहां बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। अगर हमारी वीडियो की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और न्यू वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर करें।